हिमाचल में आईटीआई की अभी भी 12,500 सीटें खाली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज बड़ी नरेश ठाकुर के साथ। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश आईटीआई के स्पॉट काउंसलिंग राउंड के बारे में। तो वीडियो में हर एक चीज डिटेल में बताई गई है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने फोन के ब्राउजर में एचपी टेक बोर्ड की वेबसाइट को खोल दें और वहां पे देखिए साफ साफ नोटिस आ चुका है शेड्यूल जो स्पॉट काउंसलिंग ग्राउंड के लिए है। जिनके 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं टेंथ में, उनकी काउंसलिंग 4/9/2023 को होगी। जिनके 55% से 70% के बीच हैं, उनकी काउंसलिंग 5/9/2023 को करवाई जाएगी। जिन स्टूडेंट के मार्क्स 55% से कम हैं, उनकी 6/9/2023 को काउंसलिंग करवाई जाएगी। जिनके 5% के मार्क्स से ऊपर हैं लगभग, तो उनकी काउंसलिंग 8/9/2023 को करवाई जाएगी। और उसके साथ ही आपको जो अपना डाटा है वो NCBT या MIS के पोर्टल पे भी अपलोड करवाना होगा। इसके साथ ही अगर आपको खाली सीट की डिटेल चाहिए तो उसके साथ आप दूसरे नोटिस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस नोटिस में आपको ये पता लग जाए कि जिस ITI में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और कौन से ट्रेड में आपकी एडमिशन चाहिए, उसकी सारी डिटेल आपको इस PDF में मिल जाएगी। तो इस PDF को एक बार ज़रूर चेकआउट करें, उसके बाद ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। उसके साथ ही जो मेन बात है, स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा अनिवार्य। पंजीकृत अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण नहीं है, वे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके दौरान ही अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र का प्रिंट भी निकालना है, और वही आवेदन पत्र आपका आपके स्पॉट काउंसलिंग के दिन सुबह 8:30 से 11:30 तक लिए जाएंगे। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। 2 बजे से मेरिट अनुसार खाली सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में लगभग 12,500 सीटें खाली हैं। इन्हीं सीटों को भरने के लिए स्पॉट काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन वाले न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।